जय माता दी, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके आप सब बताते नहीं कि आप सब कैसे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम यही आशा करेंगे कि श्री माता वैष्णो देवी के अनुकम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से सैटरडे पॉडकास्ट में। आपको तो पता ही है, हम हर सैटरडे एक नई प्यारी सी पॉडकास्ट लाते हैं जिसमें माता रानी की प्यारी सी चमत्कारी कहानी आप सब तक साझा करते हैं, जो आप हम तक भेजते हैं। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी कोई भी प्यारी सी चमत्कारी कहानी है जो इस पॉडकास्ट में आए और लोगों तक पहुँचे, तो आप अपनी कहानी हमें व्हाट्सअप की वॉइस मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसके साथ साथ हमारा ईमेल आईडी भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जहाँ पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप सबकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा। देखिए, इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए ताकि और जो भी भक्त हैं ना, जो माता रानी के दरबार जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं, उनका आस्था विश्वास इस कहानी को सुनने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाए माता रानी के प्रति। तो चलिए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं और आप जल्दी से इसे शेयर कर दीजिएगा। आज की प्यारी सी कहानी हम तक साझा किया है रमेश श्रीवास्तव जी ने, जो कि महाराष्ट्र पालघर जिला के रहने वाले हैं। ये अपनी कहानी में बताते हैं कि जब हमें कभी घमंड हो जाता है, कोई पैसे का घमंड हो, किसी चीज़ का घमंड हो, तो कैसे माता रानी उस घमंड को चूर कर देती हैं और हमें फिर से वही इंसान बना देती हैं जैसा हम पहले थे। चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। रमेश जी की कहानी की शुरुआत 2015 से होती है। अपने कहानी में ये बताते हैं कि 2015 में इन्हें पहली बार श्री माता वैष्णो देवी के दरबार जाकर माँ भगवती के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब वो दरबार गए तो ये बताते हैं कि उसके पहले वो जो है वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके पास बहुत पैसे नहीं रहते थे। ये नौकरी की तलाश में भी इधर उधर भटक रहे थे, इन्हें कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब दरबार ही पहुँचे और दरबार जाकर इन्होंने माता रानी से हाथ जोड़कर अर्जी लगाया कि माता रानी, तुम तो सब कुछ देख रहे हो, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, तुम तो सब कुछ जानती हो और आपको पता ही है कि मैं आपके दरबार भी अपनी इस झोली फैलाकर आपसे एक उम्मीद लगाया हूँ, एक भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे जो है कहीं से कुछ एक जॉब दिला दोगी और हमारा भी एक जो है वो परिवार आगे बढ़ने लगेगा। कुछ इस प्रकार का अरदास कर वो माता रानी से घर चले आए। घर आने के बाद कुछ दिनों बाद इनकी नौकरी जो है वो लग गई। नौकरी जब लगी तो इनके पास जो है वो पैसे आने शुरू हो गए। धीरे 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 इनकी पोस्टिंग ऊपर पहुंचती गई और इनका इनकम भी बढ़ता गया। अब आपको पता ही है कि जब किसी के पास थोड़े पैसे आ जाते हैं तो उसके अंदर हल्की हल्की घमंडता आने लगती है, कि उसे पैसे का एक घमंड हो जाता है कि मेरे पास तो पैसे हैं, सब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इवन ये भी भूल गए कि इन्हें जो पैसे मिल रहे हैं, इनकी जो नौकरी लगी है, ये दरबार से आने के बाद लगी है। इन्होंने अर्जी लगाई थी और उस अर्जी को माता रानी ने स्वीकार किया और इनकी मनोकामना को पूर्ण किया। ये सब चीज़ें भूलने लगे, क्योंकि घमंड में जब इंसान होता है ना तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता, वो ये सब चीज़ें भूलने लगता है। ये सब ये भूलते जा रहे थे, ऊंचाइयों पे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे ये अपना घर खरीद लिए, अपनी गाड़ी खरीद लिए, काफ़ी ज़्यादा पैसे इनके पास होने लगे। एक ऐसा समय आया कि इनका बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से लॉस में होने लगा। मैंने अभी आपको बताया ना कि जब क्या होता है, इंसान जब घमंड करने लगता है तो एक समय ऐसा आता है उसके साथ, माता रानी हर किसी के साथ एक ऐसा समय लेकर आती हैं जब उसको उस लेवल पर ले आती हैं। जब इनका बिजनेस जो है वो लॉस में जाने लगा तो अब जो है इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। अच्छा, बिजनेस इतना ज़्यादा लॉस चला गया कि इन्हें कई लोगों से उधार लेना पड़ा, क्रेडिट लेना पड़ा। अब उधार लेकर ये अपना घर तो चला रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें याद नहीं आ रहा था कि इनसे गलती क्या क्या हुई है और ये क्या चीज़ को भूल गए हैं। अब क्या ही कहें, आगे इस तरह से इनकी कहानी जो है वो चल रही थी। धीरे धीरे जब कुछ समय बीता तो इनके घर में इनके बच्चे का तबीयत भी ख़राब हो गया। तबीयत ख़राब हुआ और इसके पहले ही इनके पास काफ़ी उधारे थी, लोगों से इन्होंने उधार लिया था, वो लोग भी इनसे पैसे मांग रहे हैं कि आप जो है उधार नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। ये इससे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे। और एक ऐसा समय आया जब इनके पास उस जिससे उन्होंने उधार लिया था उसके पैसे देने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इन्हें ये समझ में आ रहा था कि अब सिर्फ अपने जीवन को ख़त्म कर लेना ही, हमारे इस ज़िंदगी को समाप्त करके ही एक रास्ता बचा है, क्योंकि लोगों का उधार मैं कैसे चुकता करूं, खुद ही मैं इतना ज़्यादा नीचे चला गया हूं, मैं कहां से क्या दूं। इन्होंने ऐसा करने के लिए सोचा भी। इसी प्लेस का नाम बता रहे हैं स्टोरी में, मुझे इस प्लेस
को समझ नहीं आ रहा है बताने में, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। इस प्लेस पर ये पहुँचे और वहाँ से ये छलांग लगाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक जो है इन्हें एक आदमी मिला। वो आदमी मिला तो उस आदमी ने इन्हें पकड़ लिया और बोला कि आप ये क्या करने जा रहे हो। तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, मुझे जो करने दो, मैं जो है अब जिंदा नहीं रहना चाहता, ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे उधार्स हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अब जो है आगे अपनी लाइफ को नहीं सर्वाइव करा पाऊँगा। फिर उस आदमी से इन्होंने पूरी बातें शेयर की, उस आदमी ने इन्हें बहुत अच्छे से समझाया और उस आदमी ने इन्हें ये भी बताया कि देखो यार, अगर आप इस परिस्थिति में आए हो तो आपने बहुत सारी ऐसी गलतियां की होंगी जिस वजह से आप इस परिस्थिति में आए हो, और उस गलतियों को समझो, उस गलतियों को सुधारो और जो है आप एक अच्छे इंसान के तौर पर बनो। तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसाइड किया तो उन्हें एक ख्याल आया कि उन्होंने ज़िंदगी में कई सारी गलतियां तो की ही थी, लेकिन जो गलतियां उन्होंने की थी वो घमंड की थी। उन्होंने ऐसा भी कह दिया कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं अपनी वजह से हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, हम सब कुछ झेल लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इवन वो दरबार भी जाना भूल गए। तो ऐसा कुछ सोचने लगे तो उन्हें अचानक से कुछ रिसाइड हुआ, कुछ याद आया कि मुझे माता रानी के दरबार जाना चाहिए, अब वहीं से मेरे सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। इस प्रकार से वो सोचकर 2017-18 में फिर से माता रानी के दरबार पहुँचे। जब वो माता रानी के दरबार पहुँचे तो जैसे ही वो दरबार की ओर आगे बढ़ रहे थे तो यात्रा ट्रैक में उन्हें एक बच्ची मिली। बच्ची उनसे मिली और उस बच्ची ने बोला कि आप दरबार जा रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं दरबार जा रहा हूँ। और आपको पता ही कि बच्चियाँ बहुत सारी मिलती रहती हैं, तो सोचे कि चलो यार ये भी बच्ची है। तो बच्ची ने बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तो उन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो बच्ची ने बोला कि अरे आप तो बहुत घमंड कर रहे थे कि आपके पास बहुत पैसे हैं, सब कुछ हो जाएगा, और आज आप पैसे नहीं दे रहे हो। वो इस बात को लगे सोचने वहीं पर, फिर उन्हें उतना भी ध्यान नहीं हुआ। वो बस सोच रहे थे कि ऐसे कैसे ये बोल रही है, ऐसे कैसे ये कह रही है। फिर वो उससे गुस्सा होकर आगे की ओर बढ़ गए। तब उन्हें याद आया कि यार ये तो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया और इसे कैसे पता चला। तो उन्हें फिर इस बात का ध्यान आया कि ये ज़रूर कहीं ना कहीं माता रानी का कोई रूप है जो मुझे इस बात को सिखा गया। और उस बच्ची ने उनसे एक बात और कही थी कि देखो आप ज़िंदगी में सब कुछ करो, अगर आपके पास पैसे का घमंड आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी इस प्रकार से ही चलने लगेगी। ये सब सारी चीज़ों सोचकर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है अंदर से फील करने लगे और वहीं पर वो रोने लगे। रोते रोते आँख में आंसू लेकर माता रानी के दरबार पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने नाक रगड़ कर, माथे को नीचे झुकाकर माता रानी से बहुत ज़्यादा क्षमा मांगा। और करीबन वो बताते हैं अपनी स्टोरी में कि वो एक घंटे तक एक ही जगह पर बैठकर सिर्फ माता रानी का ध्यान कर रहे थे। और जब वो रिटर्न आ रहे थे तो उन्हें फिर एक बच्ची मिली और उसने कहा कि ये लो माता रानी का प्रसाद। वो जैसे ही बच्ची को रोकना चाह रहे थे लेकिन वो बच्ची वहाँ से गायब हो गई। और उस प्रसाद में क्या था कि एक क्वाइन था। तो वो जो है वो क्वाइन को लेकर अपने घर आए। घर आने के बाद उन्होंने जहाँ पर वो उन्होंने पैसा रखा था उस क्वाइन को रखा और धीरे धीरे फिर अचानक से उनके पास कई लोगों के फ़ोन आए कि जो है तुम्हारा ये पैसा यहाँ पर रखा हुआ था मेरे पास, ले जाओ। तो वो फिर वहाँ पर गए, पैसे लिए उन्होंने और फिर सबको पैसा दिया और धीरे धीरे फिर उनके घर में उस तरह से बरकत होने लगा। तो ये देखिए कि माता रानी ने किस तरह से जो है किसी भी इंसान के अंदर घमंड आता है तो किस तरह से उसको उस लेवल पर ले आती है माता रानी। कुछ ना कुछ ऐसा होता है उसके साथ। ये फैक्ट्स है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो अगर आप थोड़ा घमंड में हो रहे हैं तो आपको नीचे आना ही पड़ेगा। कोई ना कोई जरिया ही था। देखिए जरिया ही था ना, कितना सारा सिनेरियो इनके साथ हुआ। और आज ये माता रानी को बहुत मानते हैं। इनका ये बताना है कि ये महीने में जो है वो एक बार जाने की सोचते हैं, लेकिन कोविड के बाद से ये अभी जो है वो 2 से 3 बार गए हुए हैं। और उसके पहले जब ये 2017-18 में आए थे तो उसके बाद इन्होंने लगातार माता रानी के 6 महीने तक दर्शन किए थे जाकर। तो अपने आप में बहुत ही प्यारी सी ये कहानी इन्होंने साझा की। मैं उम्मीद करूँगा कि इस कहानी को मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ में आई होगी और आपको कहानी अच्छी लगी होगी। देखिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम दूसरों की कहानी को समझकर आपको अच्छे से समझा पाएं। बड़ी टफ़ होती है लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से और आपके प्यार से हम इस कहानी को समझकर समझा पाते हैं। और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप जो है इस तरह से जुड़े रहेंगे। अगर कहानी में कोई मिस्टेक्स भी हो गया होगा, कोई ऐसे वर्ड्स निकल गए होंगे, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि इंसान से ही गलतियाँ होती हैं।
तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी सी कहानी के साथ। अगर आप भी अपनी कहानी साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर से WhatsApp पर मैसेज करिए वॉइस मैसेज के थ्रू, Instagram पर भी मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे ईमेल आईडी पर भी ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी जल्दी से जल्दी पॉडकास्ट में अपडेट करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मेरा नाम है आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।